थोड़ी कौन सा है? चौथी बार। चौथी बार है तो इससे पहले के अरेंजमेंट में और इस बार के अरेंजमेंट में क्या फ़र्क दिख रहा है? इस साल का ज़्यादा ऑर्गेनाइज है, स्पेसिफिक टाइम स्पेसिफिक एज ग्रुप जैसे लास्ट ईयर नहीं था। नमस्कार, मैं विजय, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली। यह ऐसी बच्ची है जिसको देख करके लगता है कि यह आइस स्केटिंग करते वक्त मौज में उड़ रही है, क्योंकि इसके चलने का तरीका, इसका बॉडी बैलेंस और सबसे बड़ी है इसकी टेक्निक, बिना किसी के छुए हुए अपने आप अकेले भागना और सबसे आगे। जब सब दूसरे नंबर की दौड़ में लड़ाई कर रहे हों, तब ये दूसरे नंबर वालों को भी तीसरे राउंड में पछाड़ने की अपनी महारत रखती है। उसका कारण है इसका कॉन्फिडेंस, इसकी टेक्निक और शायद इसकी प्रैक्टिस। आइए बात करते हैं सीधे, नाम क्या है आपका? स्वरूपा। तो स्वरूपा कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र। ये आप जो खेल खेल रही हैं, कैसा लगता है आपको? तो देख करके ऐसा लगा जैसे हवा में उड़ान भर रही हो कोई बच्ची। तो कितनी प्रैक्टिस करते हो आप डेली? वीक में तीन बार। तो जब आप आइस स्केटिंग इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, तो ऐसा क्या है कि जो सबसे आगे रखता है आपको? कॉन्फिडेंस। तो जब आप अपने साथियों को क्रॉस कर रही थी, तब एक चीज़ अच्छी लगी आपकी, बाकी लोग तो स्केट करते वक्त चलते हैं, स्केटिंग करते हैं, आपको ऐसा लगता है हाथों के एक्शन से जैसे दौड़ने का प्रयास करती हूँ, तो ये टेक्निक अपनी इजाद की हुई है या किसी को कॉपी किया है? बाहर के कंट्रीज में। बाहर की कंट्रीज में। सबसे अच्छा आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है आइस स्केटिंग का? ऐसा कोई फेवरेट नहीं है। फेवरेट नहीं है? नहीं है। तो कितनी बार पार्टिसिपेट कर चुकी है आप नेशनल्स गेम में? ये मेरा फोर्थ टाइम है। ये कौन सा है? चौथी बार है। तो इससे पहले के अरेंजमेंट में और इस बार के अरेंजमेंट में क्या फ़र्क दिख रहा है? इस साल का ज़्यादा ऑर्गेनाइज है, स्पेसिफिक टाइम स्पेसिफिक एज ग्रुप जैसे लास्ट ईयर नहीं था। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि स्टैंडर्ड्स भी फॉलो किए जा रहे हैं और फैसिलिटी भी अच्छी है, तो क्या कहना चाहोगे बाकी बच्चियों को? ऑल द बेस्ट। और जो नहीं खेल रहे हैं उनको आइस स्केटिंग में कैसे लाओगे? खुद देख के आ जाएंगे। पेरेंट्स के लिए, किसके लिए थैंक्स बोलना चाहोगे? माय फादर एंड माय मॉम। आए हैं साथ में लोग? हाँ। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ बातचीत उनसे भी, लेकिन मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सेमीफाइनल तो आप जीत चुकी हैं।